ब्लैक ब्रेस्ट भी है और ऑरेंज ब्रेस्ट भी है। तो ये ओबीबीबी की हमारी फीमेल है। तो देखें माशाल्लाह, वाह वाह, ये वाला है देखें ऑरेंज, अभी से गाल इसकी ऑरेंज है और आगे क्या निकालेगा ये इंशाल्लाह, क्या सीन बनाएगा। मेल लगता है अपने दूसरे भाइयों की तरह। जी अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ, हमारे बर्ड्स रूम में। और आज की जो वीडियो है वो हमारी अल्लाह भला करे इस पेड़ के बारे में। माशाल्लाह देखें, ये देखें जी, ये वाला पेड़ था हमारा जिसके अंदर ऑरेंज की फीमेल ओबी बीवी, देखें जी माशाल्लाह ओबी बीवी की फीमेल, और ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल था। देखें जी ब्लैक ब्रेस्टेड का मेल और ये ओबीबी की फीमेल, देखें जी ऑरेंज, ये ब्लैक फेस भी है, ब्लैक ब्रेस्ट भी है और ऑरेंज ब्रेस्ट भी है। तो ये ओबीबी की हमारी फीमेल है। तो देखें माशाल्लाह, इसका जनाब सेकंड क्लच था, फर्स्ट क्लच आप देखें तो इसके, ये देखें मैंने पेयरिंग की थी, आप लोगों को दिखाई थी ये पेयरिंग, ये देखें जी ये ओबीबीबी का मेल निकला है और स्प्लिट ब्लैक ब्रेस्टेड स्प्लिट बीबी की फीमेल है। और इन दोनों की पेयरिंग की है, देखें ये ऑरेंज ब्रेस्ट ब्लैक ब्रेस्ट, दोनों तरफ से आप देख लें इसका सीन है माशाल्लाह। ये देखें ऑरेंज ब्रेस्ट ब्लैक ब्रेस्ट मिक्स सीन है, ठीक है ये ऑरेंज का हमारा। तो अब ये दोनों माशाल्लाह जब बच्चे ये भी देंगे तो आगे इनका कह लें कि वो निकलेंगे अल्लाह भला करे ओबीबीबी पूरे निकलेंगे, हाफ ऑरेंज निकलेंगे, ठीक है जी। और फिर इनका फर्स्ट क्लच के ही दो बेबी इधर थे जिसमें ब्लैक फेस, ब्लैक फेस ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्ट स्प्लिट ओबी, ठीक है जी, ये वाली फीमेल निकली है और मेल इसके साथ है ब्लैक ब्रेस्ट स्प्लिट ओबी का, ये मेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नेस्टिंग इन्होंने आज बिखेरी हुई है, खेल रहे हैं नेस्टिंग के साथ। तो ये तो चलें जी, ये इसका सेकंड क्लच है, सेकंड क्लच का माशाल्लाह देखें, इसमें दो तीन बेबी हैं, दो बाहर निकल चुके हैं, एक ये है बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी है, देखें जी ये वाला, देखें ये इसकी माँ है और ये वाला जो है ना ये बिल्कुल इसकी कॉपी है। और थोड़ा सा और क्लियर होगा तो ये ब्लैक फेस है, ठीक है देखें इसका फेस देखें ब्लैक है, ठीक है माशाल्लाह। और ये माँ की तरह बिल्कुल माँ की तरह, पर थोड़े से पाइड है और ये ऑरेंज है, नीचे आप देख लें क्रीमी कलर आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, तो ये भी ऑरेंज है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये फीमेल होगी, ठीक है जी। तो तीन बेबी हैं इनके, दो बाहर निकले हैं, ये फॉन में निकला एक, तो ये भी नीचे से ऑरेंज है। और इस माशाल्लाह देखें ये अभी अपना निकालेगा कलर, तो फिर हम मज़ीद इसको देखेंगे कि ये किस तरह का शेप बनाता है। तो ये दो बेबी बाहर निकल चुके हैं अपनी माँ के साथ, देखें जी ये वाली बिल्कुल कॉपी है, सिर्फ पाइड नहीं है बाकी जो है ना ये कॉपी है, ये वाला जो हमारा है ना बेबी बिल्कुल कॉपी है माशाल्लाह। माशाल्लाह बोलें जी, माशाल्लाह लाजमी बोलना है क्योंकि ऑरेंज लाइन का सेकेंड क्लच है हमारे पास, इंशाल्लाह हम ऑरेंज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और फीमेल तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी की है, ट्रिपल फैक्टर है इसके अंदर, ट्रिपल फैक्टर मीन के तीनों फैक्टर जिसके अंदर होते हैं, आपका ब्लैक ब्रेस्ट भी हो ऑरेंज ब्रेस्ट भी हो और साथ में ब्लैक फेस भी हो, तो ये फीमेल हमारी ट्रिपल फैक्टर की है। थोड़ी डर रही है कैमरे से इसलिए। तो देखें जी दो बेबी ऑलरेडी बाहर निकल चुके हैं, तो ये देखें एक फॉन का है, ये भी ऑरेंज में जाएगा, इसके जब चीक्स वगैरह मोल्ड करेगा तो फिर हमें पता चलेगा, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ब्लैक फेस का आंसर है, लेकिन बात का तो आपको जब चिक्स निकलते हैं तो उस वक्त कुछ और होते हैं, 15-20-30 दिन के बाद जब ये अपना कलर मोल्ड पे जाते हैं तो फिर कोई और ही शेप निकाल लेते हैं, म्यूटेशंस का ये भी बड़ा है।
लेकिन इसका आप देखें चोंच और जो आंख है उसके थोड़ा सा नीचे आपको वाइट सा नज़र आ रहा है मुझे, तो मुझे पड़ता है कि मे भी इसमें ब्लैक फेस का आंसर ना हो। लेकिन इसके बरक्स इसकी सिस्टर जो इसके साथ का बेबी है वो देखें आपको ऊपर से भी चोंच और उसके दरमियान पूरा ब्लैक नज़र आ रहा है, तो मीन्स कि इसमें ट्रिपल फैक्टर होगा इस फीमेल में, लाजमी होगा। तीन फैक्टर्स हैं, ब्लैक ब्रस्ट, ब्लैक ऑरेंज ब्रस्ट दो फैक्टर और ब्लैक फेस थर्ड फैक्टर। तो ट्रिपल फैक्टर की ये बेबी निकलेगा इंशाल्लाह, फीमेल निकलेगी ये, तो बहुत ज़बरदस्त है आप देख लें। और ये इनकी माँ है साथ में, देखें ये ऑरेंज ओ बी 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 ब्लैक फेस के साथ, ये इनकी फीमेल माँ है, स्लेटी कलर की है आपको लग रही है। तो अब इनका थर्ड बेबी वो अभी नहीं निकला बाहर, तो मैं क्या करता हूँ चेयर लाता हूँ, फिर आपको हम लोग थर्ड बेबी दिखाते हैं। थोड़ा सा मुझे चेयर पकड़ने दें, मैं चेयर ओके चलते हैं, चेयर पकड़ते हैं हम। और अब माशाल्लाह ऑरेंज लाइन के काफ़ी बेबीज हैं हमारे पास, इंशाल्लाह जब ये ब्रीडिंग शुरू कर देंगे जो इनके बेबीज हमने लगाए हुए हैं, इनकी एक वो दो, मैंने दो बच्चे आपको जोड़ा वहाँ पे दिखाया और एक जोड़ा वहाँ पे दिखाया, वो उसका फर्स्ट क्लच का है। एक फीमेल ये वाली जो है ना ये उसी की है, ये फर्स्ट क्लच की फीमेल है, ये कह लें कि बीबी स्प्लिट ओबी है, बीबी और ओबी की स्प्लिट है। इसके पर देख लें, इसका नीचे आप देख लें क्रीमी कलर, तो नीचे आपको, तो ये भी ऑरेंज लाइन की ही फीमेल है ये वाली, ठीक है। तो ये उसी का बच्चा है, उसी पेयर का, और वो इसकी माँ भी वही है। तो चलें जी चलते हैं, थर्ड ऊपर वाला है, मैं इसको खोलूँगा तो इसके अंदर देखेंगे कि वो क्या सीन बना रहा है थर्ड बच्चा। ये तो बड़े थे डरते हैं बाहर निकला है, वाह ये वाला है देखें, ऑरेंज अभी से गाल इसके ऑरेंज है, और आगे क्या निकालेगा ये इंशाल्लाह, क्या सीन बनाएगा। मेल लगता है अपने दूसरे भाइयों की तरह, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा निकलेगा ये भी बच्चा। साइज देखें माशाल्लाह इंग्लिश लाइन का ज़बरदस्त, गुफलू मुफलू है। तो मैं इसको करता हूँ बंद, डर रहा है, छोटा है अभी, छलांग ना लगा दे। तो ये वाला जी हमारा ऑरेंज लाइन का पेयर, देखें जी तीनों बेबी दो ये बाहर हैं, और एक अभी जो मैंने आपको अंदर दिखाया ये फेवरेट में जी फीमेल है, इंशाल्लाह ओबी बीबी का जो बच्चा आपको निकलेगा पूरा हो जाएगा, तो फिर इसके साथ ओबी बीबी लगाएंगे ये वाली फीमेल के साथ, तो पूरे के पूरे कह लेंगे ऑरेंज निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखें अब माँ बेटी बिल्कुल एक सिमिलर कॉपी निकली है अपनी माँ पे, क्या सिमिलर कॉपी, और उम्मीद करता हूँ कि ये फीमेल ही होगी, बिल्कुल फीमेल होगी बिल्कुल। देखें ऑरेंज इसके फीदर्स हैं, ये देखें परों का रंग, ठीक है देखें परों का रंग, नीचे देखें कितना ऑरेंज है देखें, और फेस भी ब्लैक है, ठीक है देखें, ये देखें कैसा जबरदस्त बेबी है माशाल्लाह, लाजमी बोलें क्योंकि ऑरेंज लाइन एक बड़ा बंदा एक्साइटेड होता है जब बच्चे आपके एक्सपेक्टेशन के आयन मुताबिक निकलते हैं। देखें इसमें तीन फैक्टर हैं, ब्लैक ब्रस्टेड भी है, ऑरेंज ब्रस्टेड भी है, और इसका फेस भी ब्लैक है, देखें आप चोंच और इसके नीचे, और ये माशाल्लाह निकलेगा तो देखना आपको पूरा पता चलेगा। और अगर ये फीमेल निकली है इंशाल्लाह फीमेल ही होगी, तो इसका फिर क्या ही बात होगा, बिल्कुल अपनी माँ की कॉपी है, तो इसके साथ जब जाएंगे ना और बच्चे तो बड़े ज़बरदस्त होंगे, ठीक है जी। तो ब्लैक फेस के देखें जी फैमिली, चलें जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें, और अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, और सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान में कल पहला रोज़ा होगा, तो डट के इबादत करें और माशाल्लाह अपने बर्ड्स के साथ रमज़ान भी गुजारें। और दूसरी और बात जो देखें, रमज़ान में आपको बहुत सारी कह लें कि शाम को जब अफ्तारी बनती है तो फ्रूट चाट वगैरह और सब्ज़ियाँ भी कटती हैं, गर्मियाँ हैं
तो जितना वेस्टेज है उसके छिलके वगैरह ये चीज़ें आप उसको कद्दूकश करके इनके सामने रख सकते हो, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। तो गर्मियों में ये बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा, तो फिर आप इजीली कह लें कि इनको जो है ना वो गर्मी का जो फैक्टर है इनको ठंडक मिलेगी, तो उससे ये अच्छी रहेंगी। ठीक है जी, तो चलें, अपना ख्याल रखें, गाँव में याद रखें, अलाव अलाव।